हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित 150+ वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी एमसीक्यू का हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये चंद्रगुप्त नाटक का भाग 3 होगा, जिसमें हम लोग 101 नंबर से 175 से भी अधिक है 178 तक करेंगे। तो 78 प्रश्नों का आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। और आप लोग को चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित एमसीक्यू चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, तो 7004501486 यह व्हाट्सएप नंबर, इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है कि मुझे ये इसका पीडीएफ चाहिए, और जो कि पेड पीडीएफ होंगे, कम से कम प्राइस में आपको दिया जाएगा। ओके, और जितना भी हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सभी लोग शुरुआत करते हैं हम लोग 101 नंबर प्रश्न जो है, चंद्रगुप्त नाटक के अनुसार कौन कौन नट और नटी का अभिनय करते हैं? तो विकल्प दिए होंगे सिंहरन और अलका। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त नाटक के अनुसार कौन सपेरा बनता है? तो विकल्प सी चंद्रगुप्त। नेक्स्ट है, मालविका कौन है? मालविका जो है सिंध देश की एक कुमारी है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, पंचनंद कौन है? तो विकल्प सी से उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, प्रथम यौवन मदिरा से मत प्रेम की थी परवा यह किसने गाया है? तो विकल्प ए अलका ने गाई है। नेक्स्ट है, बिखरी किरण अलक व्याकुल हो बिरस्वदन पर चिंता लेख यह किसने गाया है? तो विकल्प ए अलका। नेक्स्ट है, मालव युद्ध के लिए सिकंदर ने पर्वतेश्वर की क्या सहायता मांगी? तो 8,000 अश्वारोही, विकल्प बी से उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, मालव युद्ध में कौन सेना का संचालन कर रहा था? तो विकल्प डी होंगे चंद्रगुप्त। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त नाटक के अनुसार अचेत चंद्रगुप्त के पास चीते को किसने मारा? तो विकल्प सी सिलुकस। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त नाटक के दूसरे अंक में कितने दृश्य हैं? तो 10 दृश्य हैं। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त नाटक के पहले अंक में कितने दृश्य हैं? तो पहले अंक में 11 दृश्य हैं। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त नाटक के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? तो विकल्प ए सही हो जाएंगे, पर्वतेश्वर ने सिकंदर से संधि कर ली। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त नाटक के अनुसार कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, आंबिक यवन की सहायता करता है, बिल्कुल सही से कथन है ये। पर्वतेश्वर और सिकंदर में संधि हो जाती है, ये भी सही है। तो सिकंदर का साथ चंद्रगुप्त देता है, ये बिल्कुल गलत है, तो विकल्प सी असत्य है। नेक्स्ट है, नाटक के अनुसार सुहासिनी पर क्या अभियोग था जो कि झूठ था? राक्षस के साथ मिलकर कुचक्र करने का। नेक्स्ट है, राक्षस पर क्या अभियोग था? तो दुर्ग पर अधिकार करके विद्रोह करने का। नेक्स्ट है, कौन से नदी के तट पर अलका और सिंहरन का विवाह होने वाला था? तो रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त आर्यवत का एक छत्र सम्राट होने के उपयुक्त है यह किसका कथन है? विकल्प सी पर्वतेश्वर। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त नाटक में प्रेम की रंगभूमि किसे कहा गया है? तो विकल्प बी भारत को। नेक्स्ट है, सिकंदर किसका शिष्य है? तो विकल्प ए हो जाएंगे अरस्तु। नेक्स्ट है, किसने राक्षस को कुचक्र में डाला था? तो विकल्प बी हो जाएंगे चाणक्य। मालव एक राष्ट्र है, गणराष्ट्र है, विकल्प सी से उत्तर होंगे। नेक्स्ट है, सेनापति मोर को क्या दंड मिला था? तो विकल्प बी आजीवन अंधकूप। नेक्स्ट है, सेनापति मोर को क्यों दंड मिला था? तो विद्रोही पुत्र को सहायता पहुंचाने के कारण। यहां पर एक गीत है,
आज इस यौवन के माधवी कुंज में कोकिल बोल रहा है, ये किसने गाया? तो विकल्प सी सुवासिनी। द्वंद युद्ध किसके बीच हुआ था? तो फिलिप्स और चंद्रगुप्त के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, कौन नर्तकी बनने का अभिनय करती है? विकल्प बी मालविका। नेक्स्ट है, सक्टार के कितने लड़के अंधकूप में मारे गए? तो विकल्प बी 7। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त नाटक के अनुसार महापद्म को किसने मारा था? तो विकल्प ए नंद। नेक्स्ट है, फिलिप्स को किसने मारा? तो विकल्प बी चंद्रगुप्त। नेक्स्ट है, नाटक के अनुसार राक्षस कल्याणी से बात करता हुआ चाणक्य को कैसा ब्राह्मण बताया? तो विकल्प बी विचित्र। नेक्स्ट है, नंद की हत्या कौन करता है? तो विकल्प बी शक्टार। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त नाटक के तीसरे अंक में कितने दृश्य हैं? तो विकल्प सी 9। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त नाटक के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? तो विकल्प डी कर्णलिया का विवाह चंद्रगुप्त के साथ होता है। बाकी जितने भी हैं ये सारे जितने कथन हैं ये गलत है, लेकिन चंद्रगुप्त का विवाह जो होता है कर्णलिया के साथ है, ये बिल्कुल सत्य कथन है। नेक्स्ट है, संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है, किसका कथन है? तो विकल्प ए होगा चंद्रगुप्त का है। नेक्स्ट है, मगध की राजकुमारी कौन है? तो विकल्प डी हो जाएंगे कल्याणी। कल्याणी किससे प्रेम करती है? तो विकल्प बी चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। नेक्स्ट है, कल्याणी किससे प्रतिशोध लेना चाहती है? तो विकल्प ए हो जाएंगे पर्वतेश्वर। नेक्स्ट है, सुधा सिकर ने नहला दो लहरे डूब रही हो रश में, ये किसने गाया? तो विकल्प सी कल्याणी। नेक्स्ट है, पर्वतेश्वर की हत्या कौन करती है? तो विकल्प सी कल्याणी। नेक्स्ट है, कल्याणी कैसे मरती है? तो विकल्प डी हो जाएंगे आत्महत्या करती है। नेक्स्ट है, मधुप कब एक कालिका है पाया जिसमें प्रेम रस सौरभ और सुहाग, ये किसने गाया? तो मालविका ने गाया। नेक्स्ट है, बज रही बंसी ये किसने गाया? तो विकल्प भी मालविका ने गाया। ओ मेरी जीवन की स्मृति ये किसने गाया? तो विकल्प भी मालविका ने गाया। नेक्स्ट है, मालविका की मृत्यु किसके हाथों होती है? तो षड्यंत्रकारी के हाथों। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध प्रभास समुज्वला ये किसने गाया? तो विकल्प अलका ने गाया। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त नाटक के अनुसार अंक चार में कितने दृश्य हैं? तो अंक चार में 14 दृश्य हैं। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त नाटक के अनुसार कौन सा कथन असत्य है? तो सुवासिनी सटार की पुत्री है सही है, सुवासिनी चाणक्य से विवाह करती है असत्य कथन है, और कर्णलिया का विवाह चंद्रगुप्त से होता है। तो आपको असत्य ढूंढना था, तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएंगे। चंद्रगुप्त के खिलाफ षड्यंत्रकारियों का नेता कौन था? विकल्प ए राक्षस। नेक्स्ट है, कर्णलिया के पिता कौन है? तो विकल्प सी होंगे सेल्यूकस। नेक्स्ट है, कर्णलिया के सहेली कौन है? तो विकल्प बी एलिस। नेक्स्ट है, सखे व प्रेमी रजनी ये किसने गाया? तो विकल्प डी सुवासिनी ने गाया। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त का विवाह किससे होता है? तो विकल्प डी हो जाएगा कर्णलिया से विवाह होता है। चाणक्य को कौन मारना चाहता था? तो सेनापति मौर्य मारना चाहता था।
सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के युद्ध में कौन पराजित होता है? तो सेल्यूकस होता है। चंद्रगुप्त नाटक में कुल कितने दृश्य हैं? तो 44 दृश्य हो जाएंगे। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद जी के नाटक किस कारण से रंगमंच के अनुकूल नहीं है? तो भाषा संस्कृत जो भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी है, युद्ध में पात्रों की संख्या अधिक है, कई दृश्य रंगमंच का प्रस्तुत नहीं हो सकते हैं, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर विकल्प जो होंगे उपयुक्त सभी हो जाएंगे, कोई भी अनुकूल नहीं है। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए यहाँ पर विकल्प डी हो जाएंगे, उनके नाटकों में गजल है ये बिल्कुल असत्य कथन है, तो ये विकल्प डी सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य में नाटक का समाप्त किसे कहते हैं? तो जयशंकर प्रसाद को कहते हैं, विकल्प बी सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो विकल्प सी 1889 ईस्वी। नेक्स्ट है, सुगनी साहू के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो विकल्प ए जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे, विकल्प डी। जयशंकर प्रसाद के पिता थे देवी प्रसाद साहू थे। जयशंकर प्रसाद किस वाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? तो विकल्प डी हो जाएंगे, 1937 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद किस वर्ग के नाटककार थे? तो विकल्प सी ऐतिहासिक। नेक्स्ट है, कामना, राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी किसके नाटक हैं? तो जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। नेक्स्ट है, सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक किसने लिखे हैं? तो विकल्प बी जयशंकर प्रसाद लिखे हैं। इतिहास का अनुशीलन किसी भी जाति को अपना आदर्श संगठित करने के लिए अत्यंत लाभदायक होता है, यह पंक्ति किस नाटककार की है? तो जयशंकर प्रसाद की है। नेक्स्ट है, छायावाद की छाया शब्द को मोती के भीतर छाया जैसी तरलता किसने कहा है? तो विकल्प ए जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है, छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है, छायावाद के संबंध में उक्त पंक्तियां किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की है। नेक्स्ट है, छायावाद युग के प्रवर्तक किसे माना गया है? तो जयशंकर प्रसाद जी को माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, छायावाद के ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः हैं, तो ब्रह्मा जो है जयशंकर प्रसाद, विष्णु सूर्यकांत सुमितानंद पंत, और महेश जो है निराला जी हैं। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद का आरंभिक उपनाम क्या था? तो विकल्प सी कलाधार। जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ था? तो वाराणसी, काशी में। जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं? तो ये हो जाएंगे विकल्प डी, आधुनिक काल के कवि हैं, आधुनिक काल में छायावाद से भी संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद किस काव्यधारा के प्राण प्रतिष्ठाता के रूप में मान्य है? तो छायावाद। छायावादी वृत्रय में कौन से कवि मान्य है? तो विकल्प सी जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद से संबंधित सही कथन है, जन्म मृत्यु 1889-1937, मैंने कि जन्म हुआ था 1889 में और मृत्यु 1937 में, बाल नाम क्या था? झारखंडी। छायावाद युग के प्रमुख कवि हैं, उपयुक्त सभी, तो विकल्प डी आपके सही जवाब होंगे। ये था अंतिम प्रश्न था, आज हम लोग 78 MCQ देखे, तो हम लोग टोटल 100 से 1 से लेके 178 MCQ देखे। आप इतना कीजिए, अगर इससे भी ज़्यादा MCQ बनेगा तो आपको देने का ट्राई करूँगा। ओके, अगर किसी भी प्रकार का PDF चाहिए तो 7004501486 यह व्हाट्सएप नंबर, इसी व्हाट्सएप पर आप मैसेज के थ्रू PDF प्राप्त कर सकते हैं, जो कि पेड PDF होंगे। ओके,
और हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।